नमस्कार दोस्तों, मशहूर किसान नेता राकेश टिकैत और बहुजन नायक कहलाने वाले चंद्रशेखर रावण ने आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ और स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा को अंगूठा दिखा दिया। जी हाँ, ये यात्रा पूरे प्रदेश में होते हुए आज राजधानी लखनऊ के धरनास्थल इको गार्डन में आज इसको समाप्त होना था और सफाई मजदूर अधिकार महारैली होनी थी जिसमें टिकैत और रावण को आना था, लेकिन वो ये दोनों ही लोग कन्नी काट गए और नहीं पहुंचे। वहीं संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम कुमार आर डागर ने स्वच्छकारों की लड़ाई आगे बढ़ाने की बात करी। आपके राष्ट्रीय सलाहकार प्रवीण गुप्ता जी से हमारी बात हुई, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार ये यात्रा वाराणसी से शुरू हुई थी 29 अगस्त को और इसका समापन आज इको गार्डन में हुआ है। तो आइए गुप्ता जी से बात करके देखते हैं कि सफाई कर्मचारियों की क्या समस्याएँ। सर, आज यहाँ राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा, बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का मुख्य सलाहकार प्रवीण गुप्ता। ये जो स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा पप्पू ताराचंद की अध्यक्षता में चलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हर एक कर्मचारी तक, प्रदेश भर के सारे कर्मचारियों के घर घर तक, गली गली तक और सड़क सड़क तक ये बात पहुंचा दें कि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सारे लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए एक स्वाभिमान यात्रा 40-45 दिन के लिए निकाली गई और इसमें अध्यक्षता श्री पप्पू ताराचंद ने जी की है। इसमें मेन उद्देश्य ये है कि हम कर्मचारियों का निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग के नाम पर उन्हें पैसा दिया जा रहा है, 8,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। 8,000 रुपये वेतन देने पे क्या आदमी खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या शिक्षा देगा? तो दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, परमानेंट कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं, उनके पद खत्म किए जा रहे हैं, वो पद खत्म किए जा रहे हैं तो नए पदों पर भर्ती नहीं होगी, नए पदों पर भर्ती नहीं होगी तो हमारे कर्मचारी परमानेंट स्थायी नहीं होंगे, स्थायी नहीं होंगे तो उनको वो सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। जबकि हमारा कर्मचारी उस समय काम शुरू करता है जबकि सब लोग बिस्तर पर सोते रहते हैं, सुबह 5 बजे से हमारा काम करता है कर्मचारी, और जब वो लोग मॉर्निंग वॉक पे 7 बजे आते हैं तो उस पता लगा पूरा देश, पूरा प्रदेश, प्रदेश शहर, पूरा गांव गली साफ हो गई है और उनको एक तरीके की स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है। उन कर्मचारियों के साथ सरकार ये अन्याय कर रही है, उनको तनख्वाह नहीं दे रही, वेतन नहीं दे रही, कोई सुविधाएं नहीं दे रही, उनको रहने के जो आवास हैं उनको नहीं दे रही है। आवास की स्थिति आप देख लीजिए, इतनी बुरी स्थिति में है कर्मचारियों की जिसकी कोई सीमा नहीं है। छतें नहीं हैं, छत हैं तो टूटी हुई हैं, कभी गिर जा रही हैं, कभी पानी बरस रहा है तो पानी अंदर गिर रहा है। ये इन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने एक स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण की। पिछले 2 साल पहले 2018 में भी एक यात्रा चलाई थी, उस यात्रा को देखते हुए फिर हम लोगों ने जागृत करना शुरू किया है कि अपने सारे कर्मचारी एक साथ होके सबकी बात ले जाके अपने सरकार को, अपने जो प्रधान हैं उनको अवगत कराएं, जिससे वो हमारी तरफ भी देखें और हमारे जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें हमारी भी भागीदारी बनाएं और हमको भी उसमें शामिल करें। जैसा आज ये बताया जा रहा था कि स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा के इको गार्डन के कार्यक्रम में टिकैत जी आएंगे, रावण जी आएंगे, उनके आने की भी सूचना थी। हाँ, तो टिकैत जी, रावण जी आए हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं आए होंगे क्योंकि वो ऐसा सुना गया प्रशासन ने कहीं रोक लिया है उनको या ऐसा नहीं, ऐसी इस तरीके की कोई सूचना नहीं है कि प्रशासन ने रोक लिया है, लेकिन ये है कि व्यवस्था हो सकता है वो नहीं आ पाए हों क्योंकि किसान आंदोलन अलग चल रहा हुआ है। अब भाई, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का बिल्कुल सर पर है, आने वाला है, उसी गिनती शुरू हो गई है, अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोगों की रणनीति ये रहेगी कि हम सरकार से अपनी बात मनवाएंगे, नहीं मानती है तो जो भी नियमानुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, व्यवस्था है, उसके अनुसार अपनी कार्रवाई करेंगे। हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अपना आंदोलन करेंगे, हो सकता है कि काम बंद करना पड़े तो काम भी बंद करेंगे, लेकिन सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े जोर शोर से सफाई का मुद्दा उठाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो एक
एक प्रारूप की तरह करते हैं कि वो कि सबकी भागीदारी बने उसमें, लेकिन मुख्य काम करने वाला, मुख्य धारा में करने वाला ये हमारा सफाई कर्मचारी है जो कि काम करता है और सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, 24 घंटे सातों दिन काम करता है। तो ये तो हमारा आगे का मार्गदर्शन करते हैं कि साहब ये स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता करने वाला तो हमारा कर्मचारी है जिसके साथ शोषण हो रहा है।